आपका YouTube वीडियो कितना लंबा होना चाहिए ताकि आपका YouTube चैनल सही में ग्रो करे जानेंगे इस वीडियो में व्हाट्सअप गाइज मेरा नाम है अनिर्बान वेलकम टू टीचिंग मांग तो आपका वीडियो कितना लंबा होना चाहिए ऑनेस्टली गाइज इसका कोई मैजिक नंबर नहीं है मतलब मैं या कोई भी अगर आपको कहता है कि वीडियो तीन मिनट का होना चाहिए या पांच मिनट का होना चाहिए तो बकवास है ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं है होगा अगर मैजिक नंबर नहीं है तो फिर ये वीडियो क्यों बनाया तो मैं कहूंगा मैजिक नंबर नहीं है मगर वीडियो कितना लंबा होना चाहिए इसका जवाब है और अगर आप इस वीडियो का आखिर तक देखते हो तो वो जवाब तो आपको मिलेगा ही साथ में एक पर्सपेक्टिव भी मिलेगा कि कैसे हम ग्रेजुअली अपना ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं तो शुरू करें पहली बात आप ये समझ लो कि अटेंशन एक एसेट है जैसे घर या बैंक बैलेंस सपोज एक स्ट्रेंजर आके आपसे रिक्वेस्ट करे कि आप उसे अपना घर या बैंक बैलेंस दे दो तो आप दे दोगे क्या ठीक उसी तरह एक स्ट्रेंजर यूट्यूबर जिसका वीडियो आपने पहले कभी देखा नहीं अगर आपसे अचानक आपके लाइफ का एक घंटा मांग ले उसका वीडियो देखने के लिए तो आप नहीं दोगे अल्ले इसको कंपेलिंग रीजन हो जब भी आप कोई यूट्यूब वीडियो बनाते हो तो बेसिकली आप लोगों से उनका अटेंशन मांगते हो सोशल मीडिया के जमाने में फाइनली हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम सब अपनी बातें दुनिया तक पहुंचा सकते हैं लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है आप इमेजिन करो एक बड़ा सा रूम है जिसमें लाखों करोड़ों लोग हैं और सबके हाथ में माइक है और सब जोर जोर से अपने अपने माइक में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं ऐसी हालत में अगर आप भी उस रूम में होंगे और कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपकी आवाज़ सुनाई देगी क्या सोशल मीडिया की वजह से हम सब बोल सकते हैं अपना अपना ओपिनियन रख सकते हैं लेकिन इसने दुनिया को एक बहुत ही नॉइजी जगह बना दिया है ऐसी हालत में आप बताओ सबसे वैल्यूबल चीज़ क्या है अटेंशन राइट और अगर आप चाहते हो कि आपका यूट्यूब वीडियो लोग देखें तो ये अटेंशन आपको अर्न करना पड़ेगा

आप अपने YouTube करियर के किस स्टेज पे हो दूसरा आपका ऑडियंस जब आपका वीडियो देखता है तो वो किस सिचुएशन में होता है और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आपने अपने ऑडियंस का कितना अटेंशन अर्न किया है अब एक एक करके इन तीनों को देखते हैं पहली बात आप अपने YouTube करियर के किस स्टेज पे हो मतलब कि आपने अभी अभी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है और अपने वुड बी ऑडियंस के लिए अभी भी स्ट्रेंजर हो मतलब कोई आपको जानता नहीं पहचानता नहीं इन दैट केस आपको छोटे छोटे दो से तीन मिनट के वीडियोस बनाने चाहिए या फिर आपका यूट्यूब चैनल बहुत पुराना है और आपका आपके पास एक स्टैब्लिश्ड ऑडियंस है इन दैट केस आप बड़े वीडियोज बना सकते हो दूसरी चीज जिसपे आपका वीडियो लाइन डिपेंड करता है वो है आपका ऑडियंस आपका वीडियो देखते समय किस सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखो एक आदमी हॉस्पिटल में है अपने रिश्तेदार के इलाज के लिए और वो अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है और किसी वजह से उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाता है और वो परेशान होकर यूट्यूब पर सर्च करता है हाउ टू अनब्लॉक कार्ड ऐसी हालत में हम उसे अपना वीडियो दिखाते हैं जो कि एक घंटा लंबा है तो ये तो गलत बात है ना ऑब्वियसली वो हमारा वीडियो नहीं देखेगा दूसरी तरफ आप इमेजिन करो एक बंदा जो रेलवे स्टेशन पे अपने ट्रेन का वेट कर रहा है जो कि एक घंटे बाद आने वाली है और उसे किसी तरह टाइम पास करना है ऐसी हालत में वो शायद आपका एक घंटे वाला वीडियो भी देख लेगा अगर इंटरेस्टिंग होगा तो फाइनली तीसरी चीज जिसके ऊपर आपका वीडियो लेने डिपेंड करता है वो है आपने अपने ऑडियंस का कितना अटेंशन अर्न किया है जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था तो सवाल यह है कि यह अटेंशन अर्न कैसे करते हैं अटेंशन अर्न करने का सीक्रेट यह है कि हम बहुत सारा वैल्यू दें और बदले में बहुत कम टाइम मांगे अपने ऑडियंस से अगर आपको याद हो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था हमारा थंबनेल हमारा प्रॉमिस है और वीडियो का लेंथ वो टाइम है जो हम उनसे बदले में मांग रहे हैं तो अटेंशन अर्न करने के लिए सबसे पहले पता लगाओ अपने ऑडियंस के पचास प्रॉब्लम्स फिर पचास वीडियोज़ बनाओ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए लेकिन वीडियोज़ बहुत छोटे होने चाहिए जैसे दो चार मिनट के मतलब आप बहुत सारा वैल्यू दे रहे हो और बदले में बहुत कम टाइम मांग रहे हो अपने ऑडियंस से जैसे जैसे आप सक्सेसफुली अपने ऑडियंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे सिर्फ दो मिनट में आप नोटिस करोगे कि वो धीरे धीरे आपके लंबे वीडियोस देखने के लिए ओपन हो रहे हैं और एक टाइम आएगा जब वो आपके पाँच मिनट वाले वीडियोज़ देखने के लिए भी रेडी हो जाएंगे फिर आपको सेम चीज़ करनी है पाँच मिनट वाले वीडियोज़ के साथ भी मतलब अब आपको और ज़्यादा वैल्यू देनी है सिर्फ पाँच मिनट में अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हो सकता है कुछ टाइम में वो आपके एक घंटे वाले वीडियो देखने के लिए भी अग्री कर जाएंगे यह है अटेंशन का इंक्रीमेंटल ग्रोथ और ऐसे धीरे धीरे हम अटेंशन अर्न करते हैं तो आपका वीडियो कितना लंबा होना चाहिए आपका वीडियो उतना लंबा होना चाहिए जितना आपने अटेंशन अर्न किया है मगर हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितना अटेंशन अर्न किया है तो इसका जवाब आपके YouTube स्टार्ट में मिलेगा अगर आप देखते हो कि आपके बहुत सारे व्यूअर्स अब नॉर्मली ड्रॉप हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑडियंस आपको उतना टाइम देने के लिए रेडी नहीं है जितना कि आप मांग रहे हो इन दैट केस आप ट्राई करो वीडियो को छोटा करने का तो दैट्स इट गाइज इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट करना और ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं अगले वीडियो में